वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन्फोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप और एच लुकअप के अंदर डिफरेंट। वी लुकअप जो फॉर्मूला है और एच लुकअप जो फॉर्मूला है, दोनों में जो डिफरेंट्स हैं, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर वी लुकअप और एच लुकअप में डिफरेंट क्या है। तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका डेटा वर्टिकल में है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में है तो आप उसे वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉई आप देखेंगे, यहाँ पर हमने इसके हेडिंग को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया हुआ है। और अब मैं यहाँ पर वर्टिकल फार्मूला यूज़ करके, यानी वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करके, इसमें से जो भी डेटा फाइंड करना चाहता हूँ उसे यहाँ पर ईजिली फाइंड कर सकता हूँ। तो करने के लिए हम लोग को करना क्या है, आपको सिंपल यूज़ करना है इज इक्वल टू का यूज़ करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो लुकअप वैल्यू में आपको उस जगह की रेंज लेनी है जहां पर आप डेटा को लुकअप करना चाहते हैं, यानी जो भी आईडी आप यहां पर पुट करेंगे वो डेटा अपने आप इस डेटा में से फाइंड होकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉमा का यूज़ करना है। अगर हम बात करें टेबल एरे की, तो ये पूछ रहा है कि जो डेटा आपको ये रिप्रेजेंट करे वो किस टेबल में से निकाल करके आपको रिप्रेजेंट करे। तो हमें लेना है इस पूरे डेटा की रेंज की, हम जो भी यहाँ पर आईडी डालें उस आईडी को सर्च करें इस टेबल में से और उसी डेटा को रिप्रेजेंट यहां पर कर दें। इसके बाद आपको कॉमा का यूज़ करना है। उसके बाद आपसे बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब ये कि आपका जो डेटा है, जो आप एम्प्लॉई आईडी यानी एम्प्लॉई नेम पर जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो डेटा कितने नंबर सेल या कितने नंबर कॉलम पर है। तो आप देखेंगे ये दूसरे नंबर पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू। लिखने के बाद हम यहाँ पर कॉमा फिर से यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्स मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। तो यहां पर हम यूज करेंगे लास्ट एग्जैक्ट मैच, और एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने आपको बताया था हम यूज करेंगे जीरो। जीरो यूज करने के बाद ब्रैकेट को हम करेंगे बंद और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहां पर एन ए का मैसेज आ गया। अब इसको करना क्या है, आपको पकड़ करके ड्रैग कर देना है आगे की तरफ, यानी जहां तक आपको इसका डेटा चाहिए वहां तक आप इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आप यहां पर जो भी आईडी फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने फाइंड आउट करना है 102 का, तो हम जैसे ही 102 यहां पर डालेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपको देखिए 102 पर कौन है, अंशिका। अंशिका का पूरा डेटा यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप जैसे ही आईडी यहां पर चेंज करेंगे, जैसे मैंने दिया 108, तो एंटर प्रेस करने के बाद 108 पर कौन है, नीलम, और नीलम का पूरा डेटा यहां पर देखेंगे आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो ये था वी लुकअप फॉर्मूला। और वी लुकअप के बाद अगर हम बात करें एच लुकअप की, तो यहां पर आप देखेंगे वही सेम डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसको बस हमने कन्वर्ट किया हुआ है हॉरिजॉन्टल शीट के अंदर। तो सेम इसी फॉर्मूले को हम यहां पर भी यूज करके देखते हैं। यहां पर हमें सेम फॉर्मूला हमारा जो है वी लुकअप का और एच लुकअप का सेम काम करता है, बट डिफरेंट है सिर्फ शीट का। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, इक्वल टू का यूज करना है, और यहां पे लिखना है आपको एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद आपको पूरी टेबल की रेंज लेनी है, जैसे हमने वी लुकअप में ली थी, सेम ऐसे ही कॉमा का यूज करना, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, यहां पर हमें करना क्या है, इक्वल टू का यूज करना है। इक्वल टू का यूज करने के बाद आपको लिखना है एच लुकअप का फॉर्मूला। एच लुकअप का फॉर्मूला लिखने के बाद आपको यहां पर लेना है सबसे पहले आईडी की रेंज। आईडी की रेंज लेने के बाद यहां पर आप यूज करेंगे कॉमा, और कॉमा के बाद मैंने आपको बताया कि जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एच लुकअप के बारे में, तो हमें यहां पर टेबल की पूरी रेंज ले लेनी है उसी तरीके से। इसके बाद कॉमा का यूज करना है, सेम टू लिखेंगे, टू क्यों, क्योंकि एम्प्लॉई नेम हमारे दूसरे नंबर पे है। इसके बाद कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद जीरो का यूज करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और एंटर प्रेस कर देंगे। सेम एनए का मैसेज हमारा यहां पर भी शो हो गया, इसको ड्रैग कर देंगे हम लोग नीचे की तरफ जहां तक आपका डेटा है, और यहां पर आप जो भी आईडी फिल करेंगे यानी जो भी आईडी आप डालेंगे उसका डेटा यहां रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं, यहां पर हम डालते हैं 101 और एंटर प्रेस करते हैं, तो 101 पर कौन है, नायरा है। और अगर हम बात करते हैं 104 की, तो हम यहां पर 104 डाल के देखते हैं, तो 104 पर कौन है, अरब है, और अरब की पूरा जो डेटा है वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। तो ये तो था वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के अंदर डिफरेंस। अब बात करते हैं कि अगर आपका डेटा वर्टिकल में है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में है तो आप उसे वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए आपको जो भी आपका डेटा है, मान लीजिए आपका डेटा वर्टिकल में है और आप इसे हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप डेटा को सिलेक्ट करिए, यहां से करिए इसे कॉपी। कॉपी करने के बाद जिस जगह पर आपको ये डेटा ले जा करके
हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, उस शीट पर क्लिक करिए। तो हम एक नई शीट ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करके और यहाँ चले जाएंगे आप पेस्ट के ऊपर। पेस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका ट्रांसपोज का। इस ट्रांसपोज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डेटा देखिए हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो हैश वैल्यू शो कर रहा है वो इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि हमारे जो सेल्स के रेंज है वो दबी हुई है। तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट एच ओ आई, इससे होगा क्या, सेल ऑटोमेटिक सेल एडजस्ट हो जाएगा और आपका डेटा शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपके इसी डेटा को, यानी ये आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में है और इसी डेटा को अगर मुझे वर्टिकल में कन्वर्ट करना है तो सेम इसी डेटा को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां भी आपको उसका डेटा वर्टिकल में कन्वर्ट करना है उस वहां पर क्लिक करेंगे और पेस्ट में जाने के बाद सेम आपको करना क्या है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।